अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम ही ज़ात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। 7 मिनट कुछ सेकंड का जो है कॉल रिकॉर्डिंग है वो आप तमाम ही ज़ात को हम सुनाने वाले हैं। जैसा कि आप कल से देख रही हैं, लगातार सोशल मीडिया के ऊपर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई को लेकर के बहुत सारी खबरें जो है फैलाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सारी खबरें जो है सच्ची हैं और पक्की हैं। और मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं, कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख दी थी, वो जो है सारे केसेस जो है खारिज कर दिए गए थे। उन तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया गया था और आज जो है मुकम्मल तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो चुकी है। अभी मेरी बात हुई है उनकी जो टीम है और उनकी जो टीम के लोग हैं, उसमें से एक शख्स का नाम है मोहम्मद मुबारक भाई। उन्होंने मुझे ये मुकम्मल अपडेट दिया है, मुकम्मल खबर बताई है। कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है और उसमें अल्लामा कमर गनी उस्मानी को लेकर के भी हमने दो चार बातें की गई हैं और उस पर भी जो है कुछ बातचीत हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुकम्मल वीडियो और मुकम्मल कॉल रिकॉर्डिंग आप तमाम हिज़ात देखें और सुनें और उसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुशी का माहौल है मुसलमानों के अंदर मेरे भाई की मुफ्ती सलमान अजीज साहब की रिहाई हो गई। लेकिन एक अफसोस का मामला ये भी है कि अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब भी काफ़ी अरसे से जो है जेल के अंदर मौजूद हैं और उनकी जो है अभी तक कोई भी रिहाई वगैरह नहीं हो पा रही है। लेकिन सुनने में आया है कि जो है उस मामले पर भी जो है कार्रवाई हो रही है, उस पर भी काम जारी है। इंशाल्लाह तबारक तआला वो भी बहुत जल्द हम लोगों के दरमियान होंगे। और मुफ्ती साहब की जो कमेटी है, जो कमेटी मुफ्ती साहब के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार रहती है, उसमें से एक बंदा है। इंशाल्लाह मैं जो है उनसे बात करूंगा पूरी मुकम्मल तौर पर, जो भी होगी अल्लामा कमर गनी उस्मानी से उस्मानी के ताल्लुक से वो सारी अपडेट सारी खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे। बहरहाल आइए देखते हैं और सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। जी मुबारक भाई, बताइए क्या अपडेट है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो गए और अपने घर हुबली पहुंच चुके हैं घर पे हुबली में जी। और इंशाल्लाह सबसे पहली मुलाकात अपनी अम्मी से करेंगे। हाँ माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह, और कोई फोटो या वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और कुछ भीड़ वगैरह ना जमा हो जाए मुफ्ती साहब के लिए और वहाँ की जो बड़ौदा की जो गवर्नमेंट है उनके लिए कोई तकलीफ ना खड़ी हो जाए फिर। अच्छा अच्छा, मतलब ये कहने का है कि ये समझ लीजिए कि उनको रिहाई मिल गई है, लेकिन वो मतलब एक तरह से उनको छुप छुप कर भेजा गया है ना। नहीं, छुप छुप कर नहीं बोलेंगे हम जी, वो जी। कैसा है कि भीड़ जमा हो जाए फिर उसके लिए फिर वहाँ का, समझ रहे आप। हाँ हाँ, फिर वैसे भी बहुत बहुत जो है हाँ, उसके हिसाब से मोहब्बत करने वाले जी, जी। मोहब्बत करने वाले है, फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से कि वो मामला शांति से निपटा दिया गया ऐसा ऐसा। हाँ, यानी कि ज्यादा ये नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती साहब रिहा होगा और अपने घर पहुंच चुके हैं, बस ये बड़ी बात। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खबर है और खुशी की खबर है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको इल्म हो इसके बारे में तो बताएं, अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में क्या मामला है यार, ये बताएं। अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब के मामले में ये मामला है कि वो उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है जी, और उनकी पूरी अपडेट अगर आपको चाहिए तो मैं अंसारी रफीक नूरी साहब की बात करवा दूंगा जी जी, जो लब्बैक यूथ फोर्स के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनसे आपकी बात भी हुई थी शायद। हाँ, मेरी बात हुई थी लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर उससे बात नहीं हो पाई क्योंकि वो भी मशरूफ थे और मैं भी थोड़ा मशरूफ ही था। और उन्होंने मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब के लिए अपनी जमानत भी दिए थे, तो जमानत उनकी खारिज कर दी गई थी जी जी। तो कमर गनी उस्मानी साहब तो अभी भी जेल के अंदर ही है और कुछ जिस्मानी तकलीफ की वजह से वो कुछ प्रॉब्लम में है जी। शायद उनके उनके ही शायद वो जो बार बार जो वीडियो वायरल हुई थी कि मुफ्ती साहब के कमर में दर्द है, मुफ्ती साहब के सर में दर्द है, एक्चुअली में वो मुफ्ती साहब के लिए नहीं था, वो तकलीफ हो रही थी। हाँ, कमर गनी उस्मानी साहब को हो रहा था और लोगों ने यहाँ पे जोड़ दिया उसको। हाँ, वो कुछ गलत फहमी की बिना पर, हाँ गलत फहमी के बिना पर ऐसा काम हुआ और फिर ज्यादा लोग परेशान भी हुए कि आखिरकार मुफ्ती साहब तो फिर ज्यादा गिर जाएंगे, बहुत सेहत पे फर्क पड़ेगा जी जी। जैसा कि बहुत सारे चैनल पे वीडियो आई थी जी जी जी, और उसमें से कई चैनल्स पे हम लोगों ने बात भी किए थे माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो भी डिलीट करवाए थे, मेरे से जो मदद हुई मैं भी किया अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। शुक्रिया आपका इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है ना जी हसीब रजा भाई की, इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी माफी वही हो जाती है जी जी। नहीं,
अच्छा मुझे जी ये खबर मिली, वो एक मारूफ भाई करके हैं, एक जी सलमान भाई करके हैं, और जी एक बस में रौनक चैनल है। जी तो इस तरह से जो है कई चैनलों पर वीडियो आ गई, और आवाम ये समझती है कि जो मारूफ भाई हैं या सलमान भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पक्की खबर देते हैं, ठीक है, ये लोग पूरी जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद जो है खबर अपलोड करते हैं। तो उसी को मारूफ खबर। मारूफ रजा खान साहब, जी, मारूफ रजा खान साहब को तो मैं अपडेट दे रहा हूँ, हाँ, वो और वो बताएं मेरी आप, अपडेट के अलावा, वो मेरी अपडेट के अलावा कोई अपडेट नहीं डाल आप रहे अपडेट हैं। ही नहीं ले रहे हैं। वो आपका नाम लिए हैं एक वीडियो में, जी एक वीडियो में आपका नाम लिए हैं, और शायद ये अभी आपसे हमको लगता है हाल ही में रब्ता हुआ है मारूफ भाई से। नहीं, आपसे भी पहले से हुआ है, एक अच्छा बार अच्छा उन्होंने बहुत पहले ऐसी वीडियो डाल दिए थे, और बहुत बहुत अच्छा अखलाक वाला इंसान है, और हाँ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, जैसे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी, आदिल फैयाजी भाई से बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप क्योंकि लोगों ने मतलब ऐसा है कि अपनी, जैसे मैंने आपको आपकी गलतियां बता दिया या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बता दिया, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया, नहीं फिर बिल्कुल, उसके बाद क्योंकि उसको हमें दुरुस्त किया हमें देखिए और सही हमें जानकारी लोगों तक पहुंचाया हमें आपने। काम करना है ना, जी 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 हमें काम करना है, और जो हमारे बड़े हमारे उलमा इकराम हैं, हमें उनकी इज्जत करनी है, और उनकी इज्जत हमारे दिल में बहुत है, कैसा क्योंकि है वो ना हसीब रजा भाई, मेरा एक कहना है कि अगर हम मुफ्ती साहब को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना तो पहुंचाए। नुकसान भी ना पहुंचाए, बिल्कुल बिल्कुल तो बस बिल्कुल, यही एक मसला था, बाकी कोई मसला नहीं था। बाकी आप लोग इतना आवाज उठा रहे थे, वो आवाज उठाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी, जी। लेकिन मसला ये था उस वक्त का कि चलिए अभी तो सब हल हो गया अलहमदिल्ला, अभी तो बस उनका खुद का ही मिंबर रसूल पे आने का इंतजार है मुफ्ती हाय साहब हाय का। हाय, बस बस कान तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं उनकी आवाज और उनका नया खिताब सुनने के लिए, बस जरूर जी, बस यही कान तरस रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमको लगता है ये 2-3 दिन में ही इंशाल्लाह बयान आएगा। नहीं इंशाल्लाह भी वो काफी लंबा आराम करेंगे मुझे ऐसा लगता है, या तो फिर वो उनकी मर्जी है, लेकिन जी मेरा ऐसा एक सिर्फ एक मेरा जजमेंट है कि वो अभी जरा आराम करेंगे, क्योंकि घर घर होता है, जरूरत जी हाँ, ऐसा होता है, और घर घर काफी होता काफी है। हाँ रिश्तेदार और सब लोग मिलने भी आएंगे ना, हाँ और वो सबसे पहले अपनी अम्मी से मिलेंगे जी माशाल्लाह। अभी ये अम्मी हयात है ना? जी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अच्छा वाली साहब, वाली साहब भी है शायद मेरे। हाँ, माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अरे और मतलब अभी पूरा परिवार अभी और पूरा जो है खानदान जो है माशाल्लाह मौजूद है। माशाल्लाह जबरदस्त है हाँ, वो और एकदम, फिर मतलब अभी इतनी पूरी जबरदस्त क्यों, जानकारी भी नहीं है मुझे, जी, लेकिन जबरदस्त क्यों ना हो, हाँ फिर वो सिद्दीकी अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आल है। बिल्कुल बिल्कुल अरे उनको बिल्कुल, नहीं देखा लेकिन उनकी आल को तो देखते हैं भाई। 1400 साल बाद उनकी आल का ये इश्के रसूल है, तो फिर उनका इश्के रसूल का हाय अंदाजा हाय कौन हाय लगा हाय, उनका पाएगा। आलम क्या होगा, बिल्कुल ये तो फरा है, वो असल है, सिद्दीकी ये अकबर बात तो असल है, ये फरा है। जब फरा का मामला इतना जो है सख्त है तो फिर असल का हाल क्या होगा भाई। क्या होगा क्या होगा, सही वो बात, एक शेर है ना कि उनके गदा भर देते हैं जब शाहाने जमाना कहाने की जमाने झोली, की झोली, जब मोहताज का आलम ये है तो फिर मुख्तार का आलम क्या आलम होगा। क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो वही मामला है, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। इंशाल्लाह तबारक ताला हम फातिहा पानी का भी इंशाल्लाह एहतमाम करते हैं, और माशाल्लाह जो माशाल्लाह बनेगा इंशाल्लाह वो हम करते हैं। हम आपसे बयान नहीं कर बन, सकते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो अल्लाह बिल्कुल की बिल्कुल मर्जी, बिल्कुल जो अल्लाह करा ले वो करना है। बिल्कुल, बस और जो भी इंशाल्लाह किए ये कर दीजिए आप, अपडेट, मैं तो बोलूंगा 10 रुपए की नियाज ला कर भी अगर आप फातिहा करवा देंगे तो भी बहुत बड़ी बात अरे है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बस फिर बस गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है महीना है, और इस मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह महीने में हमारे जो है मुफ्ती सलमान अजीज साहब जो है रिहा हुए, बाइज्जत रिहा माशाल्लाह हुए, और बड़ी खुशी की बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए मुबारक भाई, मैं अभी जबर में हूँ, इंशाल्लाह मैं ये अपडेट जो है जितना जल्द कोशिश हो सकती है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अपलोड करूँ। जी 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 ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।